हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन पाइला पार्ट टू। इसके पार्ट वन में हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि जो पाइला होता है, ये इसमें दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, एक्वेटिक और एरियल रेस्पिरेशन। यानी जब ये पानी के अंदर होता है तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन दर्शाता है, और जब ये पानी के बाहर यानी ज़मीन पे होता है तब इसमें एरियल रेस्पिरेशन पाया जाता है। और एक्वेटिक रेस्पिरेशन के दौरान ये डिसॉल्व ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, और इसके लिए इसमें जो संरचना होती है इसे हमने टीनिडियम कहा था। हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इसमें तीन इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, टीनिडियम, पल्मोनरी सैक और न्यूकल लॉब्स। जब हम इस एक्विस रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसके लिए इसमें एक वाटर करंट का होना ज़रूरी होता है, जो कि लगातार इसकी मेंटल कैविटी के थ्रू इसमें अंदर आती रहती है। और इसमें जो न्यूकल लॉब्स होती है वो यहाँ पर सिर्फ सहायक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि ये इसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाते हैं। और ये दोनों न्यूकल लॉब्स जो है, लेफ्ट और राइट न्यूकल लॉब्स, ये साइफन के रूप में फैल के वाटर करंट को अंदर आने देते हैं। द राइट एंड लेफ्ट न्यूकल लॉब्स एक्सपेंड एज शैलो चैनल एंड द लॉब ऑन द लेफ्ट मूव्स टू फॉर्म ए वेल डेवलप्ड साइफन। ये चैनल की तरह कार्य करते हैं और साइफन के रूप में फैलते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो वाटर करंट होती है वो इसके अंदर मेंटल कैविटी और ब्रेंकियल चैम्बर तक पानी इसमें अंदर आता है। वाटर एंटर्स द मेंटल कैविटी थ्रू द न्यूकल लॉब्स, रीचिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पल्मोनरी चैम्बर एंड क्रॉसिंग द एपिथीलिया टू एंटर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेंकियल चैम्बर। एंड व्हेन एंटरिंग थ्रू द ब्रेंकियल चैम्बर द वाटर फ्लो टीनिडियम एंड गैसेज आर एक्सचेंज। और इस तरह से जब ये वाटर टीनिडियम के ऊपर से गुजरता है तो वहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज होता है, और फाइनली क्या होता है कि जो राइट डक्ट होती है, यानी कि जो राइट न्यूक्लियर लॉब्स होता है, वहाँ से पानी की जो धारा है वो बाहर निकल जाती है। जैसे इस चित्र के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो गिल फिलामेंट होते हैं, हमने गिल फिलामेंट की जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो हमने उसमें देखा था कि कुछ सेल्स जो होती है वो सीलेटेड होती है और कुछ जो होती है वो नॉन सीलेटेड होती है। तो जो सीलेटेड सेल्स होती है वो उसके सीलिया लगातार बीट करते रहते हैं, जिसके कारण कि इसके अंदर वाटर करंट का आना पॉसिबल हो पाता है। अब जैसे इसमें हम देखते हैं तो जो लेफ्ट न्यूक्लियर लॉब से उसके द्वारा इसमें पानी अंदर प्रवेश करेगा, इसके पास हमें एक संरचना दिखाई दे रही है जिसे कि ऑस्फ्रिडियम कहते हैं। ये ऑस्फ्रिडियम यहाँ क्या करता है, ये एक ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन्स की तरह कार्य करता है, यानी कि इसके अंदर जो पहले पानी प्रवेश करता है उसे पहले ये टेस्ट करता है। और यदि पानी वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो तो फिर ये साइफन जो है या जो न्यूक्लियर लॉब्स है उसे बंद करके पानी के अंदर आने को रोक देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑस्फ्रिडियम भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सहायक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है। यदि पानी पोल्यूटेड नहीं है तभी ये वाटर करंट को अंदर आने देता है। तो इस प्रकार से लेफ्ट न्यूक्लियर लॉब से ऑस्फ्रिडियम से होते हुए पल्मोनरी चैम्बर में वाटर करंट प्रवेश करता है, फिर यहाँ से ये आगे ब्रेंकियल चैम्बर में जाता है। ब्रेंकियल चैम्बर में प्रवेश करने के बाद जो टीनिडियम है, गिल की संरचना में हमने पढ़ा था कि जो टीनिडियम है उसमें एफरेंट और इफरेंट ब्लड वेसल्स पाई जाती है, और जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसका एक रिच नेटवर्क पाया जाता है। तो जब ये एक एफरेंट साइड से इफरेंट साइड की तरफ जाता है तो उस दौरान क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है।
और उसके बाद जब और इस दौरान गैसेस का जब एक्सचेंज होता है तो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, और जो बॉडी की एक्यूमुलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस छोड़ दी जाती है। ये कार्य डिफ्यूज़न के द्वारा होता है, और राइट न्यूक्लियर लॉब्स के द्वारा ये पानी बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये जो वाटर करंट जो होती है, ये इसका जो हेड होता है उसके अंदर क्या, उसकी जो मसल्स होती है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं, और जिसके कारण हेड जो होता है लगातार सिकुड़ता है, और मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्पेंड होता है, जिसके कारण एक वाटर करंट जो होती है वो लगातार इस रास्ते के द्वारा बाहर निकलती रहती है, और इसमें एक्वेटिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। इस प्रकार से अगर हम अब इसके एरियल रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है, जो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है, वो होता है पल्मोनरी चैम्बर या पल्मोनरी सैक। ये रेस्पिरेशन तब होता है जब स्नेल जो होता है वो पानी के बाहर होता है, या फिर एक कंडीशन और होती है जब ये पानी के अंदर होता है लेकिन वाटर पॉल्यूटेड होता है, उस समय भी ये एरियल रेस्पिरेशन की क्रिया कर सकता है, क्योंकि वाटर पॉल्यूटेड होने के कारण ये जलीय श्वसन करने में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि इस समय ये जो इसकी साइफन है वो बंद हो जाती है और ये पॉल्यूटेड वाटर को अंदर नहीं आने देती, तो उस समय भी इसे एरियल रेस्पिरेशन के द्वारा ही श्वसन करना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि एरियल रेस्पिरेशन ये किस प्रकार से करता है। इसमें क्या होता है कि जो पल्मोनरी सैक होता है, यहाँ इसमें पल्मोनरी सैक दिखाया गया है, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है और ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। पल्मोनरी सैक के एक कोने पर एक छोटा सा अपर्चर पाया जाता है या इसकी ओपनिंग पाई जाती है, जिसे कि पल्मोनरी अपर्चर कहते हैं या ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी सैक कहते हैं। इस ओपनिंग के द्वारा जो मेंटल कैविटी होती है वो पल्मोनरी सैक के अंदर खुलती है। तो इसमें क्या, इसमें भी क्या होता है कि जो न्यूक्लियर लॉब्स है, जब इसमें एरियल रेस्पिरेशन होता है तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर लॉब्स होती है उसमें एक ट्यूब लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, जो कि एक साइफन की तरह कार्य करता है। यदि ये पानी के अंदर होता है तो उस समय ये उस वाटर बॉडी के किनारे पे जाके अपनी बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट कर लेता है, यानी कि टेढ़ा कर लेता है, और इसका जो साइफन है वो पानी से बाहर की ओर निकल जाता है। और या फिर अगर ये भूमि पे या ज़मीन पे होता है तो ये एनवायरनमेंट की जो एयर होती है उसे ये साइफन के द्वारा अंदर लेता है। तो इसमें जब सबसे पहले एयर बाहर से साइफन के द्वारा पल्मोनरी चैम्बर में प्रवेश करती है, और फिर बाद में ये पल्मोनरी चैम्बर में आने के बाद पल्मोनरी अपर्चर से होते हुए पल्मोनरी सैक के अंदर जाती है। पल्मोनरी सैक क्योंकि हाईली वेस्कुलराइज होता है तो यहाँ पर एयर पहुँचने के बाद डिफ्यूज़न के द्वारा जो विसरण की क्रिया होती है उसके द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि जो बाहर से आई हुई ऑक्सीजन होती है उसको ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो बॉडी की जो एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये वापस छोड़ देती है। तो इस तरह से इसमें ये एक ही पाथवे होता है, यानी कि ये जो साइफन होता है या ट्यूबलाइक प्रोजेक्शन होता है, यहीं से एयर अंदर प्रवेश करती है और यहीं से वापस बाहर निकल जाती है, और पल्मोनरी सैक में आने के बाद डिफ्यूज़न के प्रोसेस के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो इसकी वॉल्स होती है वो हाईली वेस्कुलराइज होती है, पल्मोनरी सैक जिसको हम लंग, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लंग के समान ही होता है, या इसका जो इसकी कार्य प्रणाली होती है वो लंग के समान होती है, इसलिए पल्मोनरी सैक को लंग भी कहा जाता है। ये एरियल रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है और ये हाईली वेस्कुलराइज होता है, एंड द डोर्सल वॉल ऑफ द पल्मोनरी सैक इज़ हाईली पिगमेंटेड, वाइल द इनर और जो एब्डोमिनल वॉल जो होती है वो या
एब्डोमिनल वॉल इज क्रीम इन कलर, ये क्रीम कलर की होती है। अभी हमने पढ़ा कि ये एक इसमें जो पोर पाया जाता है जिसे पल्मोनरी ओपनिंग या न्यूमोस्टोम भी कहते हैं, इसके द्वारा जो पल्मोनरी सैक है वो पल्मोनरी चैम्बर के द्वारा कनेक्टेड रहता है, और जो इसमें न्यूकल लॉब्स होती है वो सिर्फ एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है, क्योंकि ये क्या करती है एक्वेटिक रेस्पिरेशन में भी जो वाटर करंट होती है उसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट में काम आती है, और इसमें भी ये इसी तरह से काम आती है। ये जो होती है हेड के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। इसके जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि लेफ़्ट न्यूक्लियर लॉब्स और राइट न्यूक्लियर लॉब्स इसमें पाई जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है दे एक्ट्स एज अ फनल और साइफन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड फंक्शन टू टेक और एक्सपेलेट वाटर और एयर, इसलिए ये सिर्फ यहाँ पर एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसको आज भी हमने देखा कि किस तरह से पल्मोनरी सैक के अंदर वाटर या एयर अंदर आती है और उसके उसी साइफन के द्वारा ये बाहर निकल जाती है। ये एरियल रेस्पिरेशन है जो कि पाइला में तब होता है जबकि वो पानी से बाहर होता है, या फिर पानी के अंदर होते हुए भी यदि वो पॉल्यूटेड वाटर में है तो उस दौरान भी उसे एरियल रेस्पिरेशन के द्वारा ही श्वसन की क्रिया करनी पड़ती है। अब इसके अलावा यदि ड्राई सीज़न हो या ऐसा कोई सीज़न हो जिसके दौरान पाइला जैसे कि हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में चला जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि उस दौरान ये पूरी तरह से अपने कवच के अंदर चला जाता है, और उस दौरान ये किस तरह से श्वसन करता है उसमें क्या होता है कि ये बहुत सारी जो एयर होती है वो पल्मोनरी सैक में भर लेता है और उसी एयर को ये रेस्पिरेशन के दौरान काम करता रहता है, क्योंकि एक तो एस्टिवेशन के दौरान इसकी जो फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो बहुत कम हो जाती है इसलिए इसे एनर्जी की आवश्यकता बहुत कम होती है। तो द शेल रिमेंस क्लोज कम्प्लीटली विद द हेल्प ऑफ ऑपरकुलम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एस्टिवेशन एंड व्हेन पाइला रिस्पायर्स विद द लिटिल अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एयर कैप्ट इन द पल्मोनरी सैक एंड हीमोसाइनिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा एक्ट एज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन प्लाज्मा। तो इस दौरान ये अपने पल्मोनरी सैक के अंदर जो इकट्ठी हुई ऑक्सीजन होती है, जो एयर होती है, उसी के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। तो ये थी मैकेनिज्म जो कि आज हमने पढ़ी पाइला में किस प्रकार से रेस्पिरेशन करता है। यदि हम संक्षिप्त में कहें तो इसमें दो प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, एक्वेटिक रेस्पिरेशन और एरियल रेस्पिरेशन। और मेन जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन में काम आते हैं वो होते हैं टीनिडियम या गिल, और जो एरियल रेस्पिरेशन में सहायक होते हैं वो होते हैं पल्मोनरी सैक। और न्यूकल लॉब्स जो होती है वो सिर्फ सहायक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है, ये मुख्य श्वसन अंग नहीं होते हैं। तो थैंक यू।